हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जनाब आप सबके? टाइम की बात करें तो टाइम हो गया है 8:30, और आज उठी 7:15 बजे। 7 बजे सो के हल्की हल्की सी सुबह बारिश होने लगी थी, तो ठंडा सा हो गया था मौसम। और उसके बाद बस झाड़ू वगैरह मार के आई हूँ, अभी पसीना पसीना हो गया पूरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से। तो पता, एक ख़ास चीज़ बतानी है आप लोगों को मैंने। जी जनाब, तो मेरे पास एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको दिखाने के लिए जो कि मैंने ऑर्डर की थी। टन टन, ये हैप्पी सेप की तरफ से रीयूजेबल मंसूरल कप जो मैंने ऑर्डर किए थे। 2 की पैकेजिंग है इसमें और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको यूज़ करने की, इसको एक्सपीरियंस करने की कि आखिर है कैसा ये। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ क्या क्या लिखा है इसमें, बाय दिस वंस एंड यू डोंट हैव टू अगेन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। मेंसुरल कप्स आर द एपिटोमी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। दे आर इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल, इको फ्रेंडली एंड मेड ऑफ 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। यू कैन री यूज दैम फॉर अप टू 5 ईयर्स। द कप इज सपोज्ड टू बी इंसर्टेड इन टू योर वेजाइना टू कलेक्ट मेंसुरल ब्लड। तो इसके साइज़ की बात करें, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये 3 साइज़ में मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और लार्ज। जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो है बिलो 18 ईयर्स के लिए, और जो स्मॉल है वो है अबव 18 ईयर्स के लिए। और जिनका जो है वो अगर डिलीवरी हुई है तो सी सेक्शन से हुई हो, नॉर्मल डिलीवरी ना हो। और लार्ज वाला जो है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनके लिए, ये 26 ml कलेक्ट करता है, स्मॉल वाला 21, एक्स्ट्रा स्मॉल वाला 16, और जो मेरे पास है ये है स्मॉल वाला। ठीक है, तो जी जनाब, इसको मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा है इसका एक्सपीरियंस। और इसके साथ में एक और भी मिला है, पीस सेफ नेचुरल इंटीमेट वॉश, मेन के लिए मिला है। पीएच बैलेंस करता है इसमें मेंशन किया गया है, दिस वन इज़ फॉर मेन। सो गाइस, मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ कि आखिर है किस तरह का ये कप जो है, इस तरह के पाउच में आया है। और इसमें ये एक इन्होंने कंप्लीट डिटेल के साथ में इसमें जो है पैम्पलेट्स डाल के रखा है, जिसमें पूरी डिटेल दी है किस तरह से स्टेराइल करना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से रिमूव करना है, क्लीन कैसे करना है, स्टोर प्रिजर्व करके कैसे रखना है, सब कुछ बताया गया है इसमें। और ये इस तरह का एक पाउच दिया है ब्लैक कलर का, जिसके अंदर जो है वो कप हमारा मंसूरल दिया गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भी पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर में मंसूरल कप है। अच्छा जी जनाब, कप दिखाने से पहले मैं इसके प्राइस की बात कर लेती हूँ कि मुझे ये 2 पेयर जो है 474 का, मुझे ये जो है वो 2 मेंसुरल कप पड़े हैं। और हाँ जी जनाब, तो ये किचन में आ गई हूँ मैं, और किचन में मैं सबसे पहले मेंसुरल कप को स्टेराइल करने जा रही हूँ। स्टेराइल करने के लिए हमने पानी लेना है, उसको बॉयल करना है, और इसको जो है वो पानी के बीच डिप करके रखना है। देखिए, ये इस तरह से इसमें डिप कर देना है, और इसको कम से कम भी 5 या 10 मिनट तक हमने इसमें खोलने देना, अच्छी तरह से उबलने देना। हाँ जी जनाब, मेंसुरल कप हो गया स्टेराइल, और मैंने इसको इसी के पॉलीथीन में जो है वो डाल के इसको वॉशरूम ले आई थी, और अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। मेक श्योर कि आपके हाथ जो है वो अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए किसी चीज़ के साथ में। अच्छे से साबुन और पानी के साथ अपने हाथों को धो दीजिए। और ये देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सी इसमें आगे दी गई है, पिन सी दी गई है, सो दैट कि इजीली हम इसको आउट कर सके, पुल आउट कर सके। और मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको यूज़ करने के लिए जो तरीका इसमें बताया गया है वो है कि इस तरह से हमने मेंस्ट्रुअल कप को फोल्ड करना है, इस तरह से पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे अपने वजाइना में। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है मटेरियल, सीरियसली ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है और इजीली फोल्ड भी हो रहा है। और बस इंसर्ट करना है इसको इस तरीके से। फिर जनाब, नहा के आई हूँ, एक की बात बोलूँगी, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेंसुरल कप के लिए, बहुत ही बेहतरीन। मुझे फील भी नहीं हो रहा है कि मतलब मैंने कुछ यू नो इंसर्ट किया है या कुछ एक्सटर्नल जो है वो मेरी बॉडी में गया है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो सही लग रहा है, मतलब जो पैड की इरिटेशन होती है, बार बार चलने में इतनी दिक्कत आती है, हर चीज़ में एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है, वैसा तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा अभी तक। तो बाकी मैं बताती हूँ, अगर आगे कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे तो वो मैं अपडेट दे दूँगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बट मुझे बहुत सही लग रहा है। आई विल ट्राई कि तो गाइस, टाइम हो गया है 3 बज के दिन के, और मॉर्निंग में मे बी शायद
दस बजे के अराउंड, नहीं उससे भी पहले 9 बजे के अराउंड जो है वो नहा गई थी, तो उस टाइम पे मैंने मेंसुरल कप जो है वो अब अप्लाई करके रखा है, तो अभी तक तो ओके लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं लेट मतलब सोई भी थी अभी थोड़ी देर के लिए, रेस्ट भी किया था मैंने, तो बहुत ईजी लग रहा है, कोई चिक 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 नहीं लग रही है, इरीटेशन नहीं हो रही है, अभी तक तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो अब मतलब ऐसा ही रहेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे, तो हल्का सा मतलब थोड़ी सी तो डिस्कम्फर्ट मामूली सा 0.5% का रख लो कि आप हो रहा है, वो ऐसे भी होता ही है, एक तो माइंड में ये चीज़ है ना कि हाँ कुछ एक्सटर्नली इंसर्ट करके रखा है तो वो उस चीज़ से हो रहा है, अदरवाइज़ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी बहुत लीकेज हो रही है, मे बी शायद मैंने प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया होगा, प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया होगा, तो उसके बाद मैंने फिर से जो है वो थोड़ा सा इसको अपवर्ड पुश कर दिया था, उसके बाद से बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक की। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो मैं सबके लिए रिकमेंड करूँगी पैड फ्री मेंसुरेशन के लिए मेंसुरल कप पे ज़रूर शिफ्ट हो जाओ, अभी बहुत सेफ़ है और बहुत सही है, मतलब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मुझे, तो महसूस ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात होती है सोने में दिक्कत नहीं आ रही है, नॉर्मली जब हम सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन सी रहती है, हाय हाय सो गए, कहीं स्पिलेज ना हो जाए, कहीं स्पॉट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सही लग रहा है मुझे तो, और बहुत लाइट भी फील हो रहा है, कोई इरीटेशन नहीं हो रही है। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैड वियर करने में, और फिर बार बार वही चेंज करने वाली होता है, मुझे तो ये होता है बार बार, मैं तो वॉशरूम में मिलती हूँ जब मैं मेंस्ट्रुएशन पे होती हूँ, हमेशा वॉशरूम में मिलूंगी, मॉर्निंग में नहाना, दिन में नहाना, रात में नहाना, पैड चेंज करते रहो, पैड चेंज करते रहो, पैड चेंज करते रहो, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12 आवर में आपको एक बार जो है वो चेंज करना है, चेंज मतलब कि वॉश करके दोबारा से इसी को री इंसर्ट करना है, ऐसा नहीं है कि इसको अभी स्टेराइल करना है, इस टाइम पे स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली आपने वॉश करना है पानी के साथ में और साबुन के साथ में अच्छी तरह से वॉश करके आप इसको री इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपका साइकिल ख़त्म होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसके बाद आपने इसको वॉश करके अच्छे तरीके से फिर उसको स्टेराइल करना है, बॉयल करना है, और 5 मिनट तक बॉयल करने के बाद में वापस इसी को इसी के पॉलीथीन में पैक करके रख देना है, नेक्स्ट मंथ फिर से निकाल दो, बहुत सही है। लाइक 5 ईयर तक आपको पैड फ्री मेंस्ट्रुएशन है यार, और क्या चाहिए, सबसे अच्छी बात। हाँ जी जनाब, तो ये क्लिप है अगले दिन की, और अगले दिन शाम के 4 बजे के अराउंड मैंने इसको स्टेराइल कर दिया था मेंस्ट्रुअल कप को। एवरीवन, सो दिस इज माय डे 2, आई एम ट्राइंग दिस मेंस्ट्रुअल कप बट इट फेल्ड, सीरियसली इतनी ज़्यादा मैसी और यू नो फ्रस्ट्रेटेड मेंसुरल साइकिल मेरी आज तक नहीं रही है जितनी ज़्यादा इसको यूज़ करने के टाइम पे थी। सीरियसली कल तक दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा था, एज़ यू नो आई वॉज प्रेजिंग दिस वन सो मच, हाँ, बट रात को मैं सोई, कंफर्ट में सोई, लेकिन जब मॉर्निंग में उठी, ओ गॉड, इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और बहुत मैस क्रिएट कर दिया, सीरियसली। लाइक आई डोंट नो कैसे, बट स्पिलेज होगी और आई जस्ट गॉट स्टेन ऑन माय बेडशीट एंड माय ड्रेस एवरीवेयर, एंड मेरा काम बढ़ा दिया बस और कुछ नहीं। तड़के मुझे नहाना पड़ा सुबह सुबह, और फिर भी मैं रुकी नहीं, मुझे लगा कि शायद मुझसे ही कोई मिस्टेक हो गई है, शायद मतलब मैं ढंग से यूज़ नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे में ही कोई मतलब मेरी टेक्निक सही नहीं है। फिर भी मैंने आज पूरे दिन भर ट्राई किया, और इस टाइम पे टाइम हो गया 7 बज गए शाम के, ठीक है, मैंने पूरा ट्राई किया आज दिन भर, 2-3 बार रिमूव किया, 2-3 बार एम्प्टी किया, बट स्टिल मैं स्टेन मुझे हो रहा था कंटिन्यू, ठीक है। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस चेक की यूट्यूब पे, टेक्निक्स चेक की यूज़ करने की, मुझे लगा शायद मैं ही गलत टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे रीज़न मैंने सर्च किए कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं लीकेज के, क्यों लीकेज हो रही है, क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब कोई लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा गया मेरा कल का दिन। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, कल मेरा फर्स्ट डे था, एंड फर्स्ट डे पे मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, दिस वन द फर्स्ट रीज़न कि मुझे कल स्पॉटिंग या लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। दूसरा रीज़न ये कि जो मैंने कप मंगवाया है, मे बी शायद स्मॉल साइज़ का, मुझे सूट नहीं करता है, क्योंकि हैवी फ्लो के टाइम पे इट वाज कॉजिंग लीकेज, कप फिल हो रहा है उसके बाद लीकेज कॉज कर रहा है,
और जितने टाइम बाद मैं रिमूव कर रही थी कप वॉज फिल्ड। दूसरा रीज़न वही कि थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल है, लाइक काम बहुत ज़्यादा है, झाड़ू पोछा ये वो, सो काउ मिल्किंग। अभी जब मैंने दिन को मतलब क्लीन अप किया था पूरा प्रॉपर तरीके से, तब बहुत सही था, सब कुछ सही जा रहा था 2 बजे के बाद में। लेकिन अभी जब मैं इवनिंग में घास के लिए गई, तो जब मैं घास काटने लगी, कई तरह की पोजीशंस बनानी पड़ती है घास काटने के लिए, बैठ के, स्टैंडिंग, लपक लपक के, उस टाइम पे मुझे फिर से जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम होगी। तब मुझे क्लियर होगी ये बात कि अगर हम ज़्यादा ही फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो उस रीज़न से हो रही है। दूसरा, हाँ, एक और रीज़न भी था जो मैंने सर्च किया लीकेज का, तो देव रीज़न है स्पेशली अगर आपकी जो वेजाइना की मसल्स हैं अगर वो स्ट्रांग होती है ज़्यादा। और एक सेकेंड में दिखाती हूँ, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आई मीन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजीली जो है वो बेंड हो जाता है, थोड़े से प्रेशर पे भी बेंड हो जाता है। तो दिस वन इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न फॉर लीकेज कि अगर हमारी वजाइना की मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जैसे हम इंसर्ट करते भी है तो जो हमारी वजाइना की मसल्स है, जब हम लाइक काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारी वजाइना की मसल्स। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, मे बी शायद जैसे ये फिट है लाइक दिस, अगर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मे बी शायद स्क्वीज़ हो जाए। अब जहाँ से ये स्क्वीज़ हो गया तो साइड से फ्लो तो करेगा ही ना नीचे, लीकेज तो होगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया फिर कि आई एम नॉट गोना यूज़ दिस वन, मैं बेशक दूसरा परचेज कर लूँगी, आई विल गो फॉर मीडियम साइज़, दिस वन इज़ स्मॉल साइज़, आई विल गो, आई हैव यूज दिस वन, बट दिस वन इज़ इंटैक्ट, आई इवन डिडेंट ओपन दिस वन, एंड दिस वन इज़ स्टेराइल एंड अनयूज। बट ये ऐसा है कि जैसे मुझे 3 दिन हो जाएंगे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, तो आई कैन वेयर इट फ्रॉम 4th डे, बिकॉज उस टाइम पे हैवी फ्लो नहीं होता है, एंड दिस वन ईजिली कैन हैंडल दैट फ्लो। सो लेट्स सी क्या होता है, बट दिस वन इज़ गिव वे रख देती हूँ, तो जिसमें मैं ये चीज़ जो है वो गिव वे करूँगी, प्लस उसके साथ कोई और चीज़ गिव वे कर सकती हूँ, 2-3 चीज़ों का मिला के एक पार्सल बना के आपको ये वाला गिव वे कर दूँगी। लेट्स सी क्या होता है, आई विल डेफिनेटली प्लान फॉर दैट गिव वे। और मैंने स्टेराइल कर दिया था इसको, बट स्टेराइल करने के बाद आप इसको इस तरह से एनवायरमेंट में ना ही घुमाएं तो बेटर है, ऐसे बार बार टच ना करें, ऐसे एनवायरमेंट में ना घुमाएं तो ही बेटर है। इसको ड्राई करके सीधा इसके जो इसका पैकेट है उसमें रैप करके रख दीजिए आप नेक्स्ट मंथ। था मेरा एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल कप के साथ में, पहले मैंने सोचा था कि अगर मेरा ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको यूज़ करना है मेंस्ट्रुअल कप, कैसे आपको स्टेराइल करना है, कैसे स्टोर करके रखना है और सब कुछ मतलब, बट अब खुद ही फेल होगी तो आप लोगों को क्या बताऊँगी कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस टाइम आई एम नॉट गोना ऑर्डर फ्रॉम दिस पी सेफ, मैं किसी और ब्रांड का यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट जो ऑर्डर करूँगी, अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाती हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपके सारे मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, स्टेराइल कैसे करना है, सब कुछ, अगर मैं खुद सक्सेसफुल होती हूँ। लेकिन अगर मैं खुद ही सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप लोगों को क्या नॉलेज दूंगी जब मुझे खुद को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को यूज़ करके, है ना। तो ऐसे थोड़ी भी बोल सकती हूँ, बट इतना डेफिनेट है कि वो प्रॉब्लम जो है वो कप की वजह से नहीं हो रही है। चीज़ अच्छी है क्योंकि जब मैंने यूज़ की थी शुरू के एक दिन में, तब मुझे बहुत बेटर फील हुआ था, ऐसा नहीं कि चीज़ सही नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी है। बट ये अलग बात है कि हाँ वो थोड़ा साइज़ की वेरिएशन की वजह से मेरे लिए सही नहीं है, बट मे बी सेम चीज़ ही जो है वो किसी और के लिए सही हो सकती है, सेम चीज़। आज की वीडियो में इतना ही जनाब, तो मैंने अपना मेंस्ट्रुअल कप वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं, जो सच्चाई थी वो आपको बता दी है। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जिन्होंने अपन ऑप्शन आप कमेंट करने हैं ना बोल के कि ये कोई टॉपिक है डिम का है फलाना है, भाई साहब अपन मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, आप मुझे ब्लॉक कर दो, आपने जो करना है वो कर दो, लेकिन मैं वही वीडियो पोस्ट करूँगी जो मुझे लगेगा कि रेलेवेंट है और जो यूज़फुल हो सकती है लोगों के लिए। आपने नहीं देखना है तो मुझे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अनऑप्शन में आप कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधी सी बात है अनऑप्शन आप कमेंट तुम करोगे मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगी, क्या कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग थोड़े खुले हुए हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग में जंग लगा है, ठीक है, क्लियर कर देती हूँ बात पहले ही ताकि मुझे बाद में मेरा टेम्पर हाई ना हो, इसलिए पहले बोल दिया मैंने। चलिए ठीक है जनाब, ओके, बाय बाय, टाटा, देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दी, प्रेस नहीं करनी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।
बस यही है, टाटा बाय बाय।